सिंधिया के कार्यक्रम के टेंट लगाने जा रहा लूटिंग वाहन तेज हवा में बहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के टेंट का सामान भर कर ले जा रहा एक लूटिंग वाहन कोटा गांव के तूफान मारते नाले को पार करते वक्त रपटे में बह गया। पुलिया से नीचे गिरने के बाद लूटिंग वाहन पानी में पूरी तरह से डूब गया। लोडिंग में सवार चार लोगों ने लोडिंग पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 12 सितंबर गुरुवार को हाथोद पंचायत में पीएम जर्मन आवास के कॉलोनी का उद्घाटन करने पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटा लोडिंग वाहन टैंक ले जाते वक्त रपटे से बह गया। घटना के बाद मजदूर मायाराम जाटव, ब्रिंकेश जाटव, विष्णु जाटव और कल्याण कुशवाहा को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि लोडिंग वाहन नाले में हुआ है।